दीपे तुदे मशाल। विकसित बनाना चाहते हो ना, विकसित भारत, विकसित भारत। 10 बरस में बंदरगाह के लिए आपने कुछ नहीं किया, मुंबई बंदरगाह के लिए। सारा जितने भी उद्योग आए, वो ड्रग पार्क हो, बल्क ड्रग पार्क हो, डिवाइस हो, मेडिकल डिवाइस, सब गुजरात में चले गए। महाराष्ट्र को कितना आपने हैरान किया, क्यों हम विश्वास रखे? महाराष्ट्र का फाइनेंशियल सेंटर आप गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का वेदांत फॉक्सवन गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का एयरबस गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का ड्रग पार्क गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का पुलिस स्टेशन गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का डायमंड सेंटर गुजरात में लिखी गई। महाराष्ट्र के बंदरगाह का विकास 9 बरस में महाराष्ट्र का बंदरगाह का विकास नहीं हुआ। महाराष्ट्र के मिल वर्कर्स के बारे में जमीन पर कुछ करना है, कुछ नए प्रोजेक्ट, कुछ नहीं किया। उल्टा जब हमारे पास निसर्ग तौकते का चक्रवात आया था, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां गुजरात में भी आया था, गुजरात में घूमे, उनका हेलीकॉप्टर आगे नहीं आया, पीछे गया वहां से। महाराष्ट्र के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इतना सारा इल्जाम लगे। इसके बाद में हम बुलेट ट्रेन, हमारे यहाँ तो 10% जो हमारे पास 70% पैसा बुलेट ट्रेन के लिए, सबकी गुजरात की सारा इस्तेमाल होना है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। दक्षिण मुंबई, साउथ मुंबई, जो झुग्गी झोपड़ियों का है, जो पुरानी इमारतों का है और जो रईसों का भी है, मुंबई शहर ऐसा है जो इस देश की राशि में सबसे ज्यादा धन देता है। 1,75,00,000 से भी ज्यादा हर वर्ष हम यहाँ अपने देश की राशि में आयकर के माध्यम से पैसा देते हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे शहर की तरफ देखे, झुग्गी झोपड़ियों की तरफ देखे, पुरानी इमारतों की तरफ देखे और जरा राशि हमारे तरफ भी चलाए। मुंबई इज अ सिटी, अ प्राइड ऑफ द इंडिया, प्राइड ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो, इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री ऑल्सो। आई वुड लाइक टू डिमांड सर दैट दी यू आर मेकिंग अ स्मार्ट सिटीज एंड द वन विच इज नोन एज अ फाइनेंशियल सिटी। आई रिक्वेस्ट थ्रू यू सर टू दिस गवर्नमेंट, मेक अस मुंबई एज अ फाइनेंशियल सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। यही सौतेलापन बहुत सारे राज्य भी अनुभव कर रहे हैं। महाराष्ट्र को पूछिए सौतेलापन क्या होता है, प्रामाणिक हो कि आपने बोला जुमला किया, ओपनली बोल दिया, हाँ हो गया जुमला किया। आदरणीय अटल बिहारी जी का एक वाक्य है, वो अपने अपने कमरे में लगाओ, छोटे मन से आदमी बड़ा नहीं होता। एयर इंडिया का अपना मुंबई का एयरपोर्ट अदानी ने लिया, अब अदानी ने मुंबई एयरपोर्ट लिया, एयर इंडिया की कॉलोनी में कॉलोनी के लोगों को नोटिस दी देगी, खाली करो घर। फिर टाटा को देना था, घर से निकालोगे क्या? घर से निकालोगे? सर महाराष्ट्र पर यह सरकार अन्याय करती रही। आपने गिफ्ट लेकर हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस सर्विस सेंटर लेके गए, आपने निसर्ग चक्रवात आया, तौकते चक्रवात आया, चक्रवात के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज में आए, महाराष्ट्र ने गुजरात घूम कर गए, पैसे नहीं दिया। मराठी भाषा का अभिमान हम लोग कर रहे हैं, मराठी भाषा अभिजात भाषा का दर्जा दे, नाना शंकर शेठ जी का नाम मुंबई सेंट्रल स्टेशन को दे, बेळगाव कारवार निपाणी बालकी बिदर या मराठी भाषिक जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, ये सारी बातें। हमारा GST जो है 30,000 करोड़ तक का आना है, अभी तक नहीं आया। जाने वो कैसे लोग थे जिनके विश्वास को विश्वास मिला, हमने तो बस कलिया मांगी, कांटों का हार मिला। धन्यवाद।